हेलो एंड नमस्कार मेरा नाम है दीपाली कॉल इमरामा टारो में आपका स्वागत है ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर टू फिफ्थ ऑफ दिसंबर आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट टेन डेज के लिए ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्थ दिसंबर क्या मैसेजेस हैं वर्गो के लिए करियर लाइफ हेल्थ वेल्थ मनी मैरिज एजुकेशन जनरल मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए नाइन ऑफ वॉन्स एरीज लियो दो स्टार एयर साइन जेमिना लिब्रा एक्वेरियस फोर ऑफ सो अगेन जेमिना लिब्रा एक्वेरियस ओके वह वो देखिए जेमिना या लिब्रा या एक्वेरियस कोई काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एनर्जी काफी ज़्यादा है उनकी अब नाइन ऑफ वॉन्स के थ्रू मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप ना बहुत इस टाइम पे नेक्स्ट टेन डेज में या फिर अभी भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो मेंटली ड्रेंड हो लाइक फिजिकली इमोशनली मेंटली फाइनेंशली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हुए हुए हो अभी इस टाइम पे थके हुए हो उस चीज़ किसी चीज़ को लेकर मतलब एक कहते हैं ना हिम्मत ख़त्म सी हो गई है रूह थक गई है वैसी फीलिंग है मुझे आ रही है Uh, काफ़ी थकान दिख रही है मुझे बट एट द सेम टाइम आप अप uh, नहीं कर रहे हो आप हर सुबह उठते हैं हिम्मत करते हैं हिम्मत जुटाते हैं खुद ही कर रहे हैं आप सब कुछ तो वो एक खुद ही अंदर से हिम्मत जुटाने वाला जो वाइब होती है ना कि लाइक मुझे पता है कोई और हेल्प नहीं करेगा तो हमें खुद अपने आप को उठा के रखना है तो वो वाली वाइब आ रही है कि इवन दो आपके साथ uh, जो ड्रेन आउट वाली जो एक्टिविटीज हैं इमोशनली वो बहुत ज्यादा इमोशनली टैक्सिंग चीजें हुई हैं बट थके भी हुए हो आप नेक्स्ट टेन डेज में बट देन ऑल्सो आप हिम्मत इकट्ठा करके फिर से लाइक उठ रहे हो खड़े हो रहे हो वापस चीजें स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं ठीक है एक बारी खत्म होगी तो क्या हुआ दोबारा करेंगे तो आई थिंक कोई um, पर्सनल लाइफ में हो सकता है कोई आपको धक्का लगा हो या प्रोफेशनल uh, लाइफ में कोई धक्का लगा हो बट आप गिव अप नहीं कर रहे हो क्योंकि देखिए हमारे पास दो स्टार भी है आप अभी भी होपफुल हो कि आपको कोई यू नो लाइक अगर आप बहुत प्यार करने वालों में से हो लाइक like, बहुत गिविंग है आप तो आपको ये होप है कि मुझे अभी भी वो इंसान मिलेगा जो मुझे यू नो लाइक बे प्यार करेगा जितना मैं प्यार करती हूँ या जितना मैं सैक्रीफाइस करती हूँ उतना ही वो मेरे लिए करेगा इक्वल रेसिप्रोकेशन तो वो अभी भी होप है बरकरार थक चुके हो आप ट्राई कर करके शायद नहीं हो रहा है बट देन ऑल्सो आप गिव अप नहीं कर रहे हो यू आर लाइक कि नहीं वो परफेक्ट चीज़ मिलेगी मुझे परफेक्ट नहीं बट क्लोज टू परफेक्ट बट वो चीज़ जो मुझे चाहिए द थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर वो चीज़ मुझे मिलेगी वैसी वाली चीज़ है थकान है बट ठीक है जद्दोजहद में लगे हुए हैं आप होप बरकरार है इंस्पायर्ड भी हैं आप <coughs> हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो विश मांग रहे हो कि ऐसा इंसान मुझे मिल जाए uh, हो सकता है ये जॉब से रिलेटेड हो जॉब uh, आपकी बहुत बारी जाती जा रही है लाइक like कहीं पे कुछ ख़राब हो जाता है कहीं पे कुछ ख़राब हो जाता है बट आप देन ऑल्सो गिव अप नहीं कर रहे हो uh, आप अभी भी लेकिन रोज़ सुबह उठते हो कि अच्छा फिर इंटरव्यू देंगे फिर इंटरव्यू देंगे यू आर नॉट लूजिंग होप वर्गो अब देखिए फोर ऑफ सोर्स अगेन जेमिना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है फोर ऑफ सोर्स के थ्रू यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि, कि किसी चीज़ को लेकर ना आप थोड़ा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं आपने कोई डिसीजन लिया है या लेने वाले हैं आप सोच रहे हैं कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हो सकता है कोई इंसान हो आपकी लाइफ में आप या नहीं हो लेट से कोई आपको पसंद करता है तो आपको उसको हाँ बोलना है या ना बोलना है कोई अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो आपको उसको बाय बोलना है या कुछ नहीं बोलना है या रहने देना है तो आई थिंक कॉन्टम्पलेशन बहुत चल रहा है और आप थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हो नेक्स्ट टेन डेज में थोड़ा रेस्ट करिए क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बहुत ड्रेन आउट वाली एनर्जी फील हो रही है जैसे मेरा गला भी बीच बीच में ब्लॉक हो रहा है Uh, गला मेरा खराब है बट खराब गला एंड जो ब्लॉकेज एक फील हो रही है ना मुझे वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं किसी को बट बोल नहीं पा रहे हैं क्यों क्योंकि आप सिर्फ सोचे चले जा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर व गोज ओवर थिंकिंग <coughs> तो आप आप ना कंटिन्यूसली लाइक ऐसा कुछ आप बोलना चाहते हो और क्या बोलना चाहते हो आप उसको फ्रेम कर रहे हो बार बार फ्रेम कर रहे हो अपने दिमाग के अंदर ही ऐसा बोलूं नहीं नहीं ऐसा बोलूं नहीं नहीं इन दोनों का मिक्स बोलना है अच्छा ये बोलूं नहीं ये बहुत ज़्यादा रूडूज आई थिंक वो कुछ बोलना है आपको बड़ा बोल नहीं पा रहे हो और वो ब्लॉकेज मुझे भी फील हो रही है यहाँ पर तो थोड़ा सा आई थिंक आपको रेस्ट की ज़रूरत है नेक्स्ट टेन डेज़ में थोड़ा रेस्ट करिए नए लोगों से मिलिए बात करिए थोड़ा कॉन्टम्प्लेशन भी चलता रहेगा आपका ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलूँगी वगो ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए एंड यू बी लाइक डन बॉस नहीं करेंगे ऐसा तो है नहीं तो कॉन्टम्पलेशन रेस्ट रेस्ट आई थिंक थोड़ा उसको बैलेंस आउट कर देगा और मुझे यहाँ पे कई लोगों की थोड़ी काउंसलिंग वाली वाइब दिख रही है आपको आप किसी से पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए आप सलाह मशवरा कर रहे हो लोगों से पूछ रहे हो फ्रेंड से पूछ रहे हो पेरेंट्स से पूछ रहे हो पार्टनर से पूछ रहे हो आ, हो सकता है कि आपकी जॉब से रिलेटेड है तो पार्टनर से पूछ रहे हो पार्टनर से रिलेटेड है तो पेरेंट्स या फ्रेंड से पूछ रहे हो बट आई थिंक यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है लाइक लोग आपको समझा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए वैसी वाली वाइब है देखते हैं टीलीफ टैरो से क्या है हमारे पास यूनिवर्स प्लीज़ बताइए वर्गों के लिए नेक्स्ट टेन डेज़ के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं करियर हेल्थ वेल्थ मनी एजुकेशन मैरिज अ टू फेस्ड फ्रेंड देखिए ये जो आप सलाह मशवरा कर रहे हैं ना लोगों से मैं आपको बोलूँगी कि मत करिए क्योंकि हर इंसान ना अपनी पर्सनालिटी अपने थाट प्रोसेस अपने बिलीफ सिस्टम अपनी सिचुएशन के हिसाब से बोलता है और ज़रूरी नहीं है कि वो आपका अच्छा चाहता हो कोई अगर आपको बोले कि अच्छा तुम तुम इस लड़की के पीछे हो नहीं रहने दो ये भाव बहुत खा रही है छोड़ दो तुम्हें और सौ मिलेंगी और हो सकता है वो एक अच्छा मैच हो और आप छोड़ दो क्योंकि आपका टू फेस्ड फ्रेंड चाहता था कि आप सिंगल रहो जैसे वो सिंगल है यू you नो know, तो थोड़ा सा um, लोगों पे यकीन करिए बट अंधे हो गए यकीन मत करिए कोई है जो थोड़ा दोगला इंसान है जो दिखाता कुछ और है बट है कुछ और है एक्चुअली में तो वो एक टू फेस फ्रेंड से थोड़ा सा बचने की जरूरत है आपको नेक्स्ट टेन डेज में मैं तो आपको बोलूँगी कि जो काउंसलिंग आप आपकी हो रही है काउंसलिंग देखिए या तो आप काउंसलिंग ले रहे हैं मैरिज काउंसलर हो सकता है पेरेंटल काउंसलर हो सकता है और रिलेशनशिप ट्रॉमा काउंसलर हो सकता है थेरेपिस्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी थोड़े टाइम के लिए टैरो मत देखिए क्योंकि टैरो में क्या होता है कि आप देखते हैं कि अच्छा ओ ये चीज़ होने वाली है वो मुझ तक आने वाला है और आपको लगता है कि वो इंसान आएगा ही आएगा टैरो इंट्यूशंस के बेस पे यू नो बोला जाता है करा जाता है ये हंड्रेड परसेंट ट्रू कभी नहीं होता है तो अगर आप थेरेपी वगैरह काउंसलिंग ले रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी मत देखिए टैरो क्योंकि फिर um, आप डिसअपॉइंट होंगे एंड देन वो आपके दिमाग के संग और थोड़ा सा यू नो लाइक मैस मैसअप कर देगा एंड अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक थोड़ा थेरेपी अगर कर रहे हैं तो थेरेपी पे कॉन्सेंट्रेट करिए अपने लाइफ के मेजर या माइनर डिसीजंस टैरो के बेस पे मत लीजिए और टू फेस फ्रेंड की तो बिल्कुल भी मत सुनिए तो वो वाली uh, चीज़ मैसेज है वो कर हेल्थ वेल्थ मनी मैरिज यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेज बर्ड पोस्ट वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज लेटर देखिए होप में हैं आप कि आपको वो इंसान मिलेगा हिम्मत नहीं हार रहे हैं आप हिम्मत आहारी नहीं है आपने हिम्मत रखी हुई है अभी तक आप किसी चीज का ना वेट कर रहे हैं आ, हो सकता है किसी एजुकेशन से रिलेटेड हो किसी ने कुछ कहीं पे एडमिशन लिया हो रिवर्ट आना हो मेल आनी हो नोटिफिकेशन डी एम मैसेज कॉल लेटर कुछ भी हो सकता है बट uh, किसी तरीके का पैकेज लेटर न्यूज़ आनी है और आप उसकी वेट कर रहे हैं नेक्स्ट टेन डेज में uh, हो सकता है आप किसी के कॉल का किसी के मैसेज का यू नो लाइक वो इंसान आपने किसी को कुछ मैसेज करा हो और वहाँ से कुछ रिवर्ट ही ना आया हो आपने मे बी किसी को कन्फेस करा हो कि आप लाइक करते हैं और वहाँ से कुछ रिवर्ट ही ना आया हो तो वो वाली चीज भी हो सकती है सिचुएशन यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट टेन डेज के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए नीडल एंड थ्रेड अ अंसेअर विश विल बी ग्रांटेड वर्गो देखिए यहां पे भी दो स्टार है ठीक है दो स्टार होप है गाइडेंस है इंस्पिरेशन है विश फुलफिलमेंट है अंसेयर विश विल बी फुलफिल्ड तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ हो नहीं रही हो नहीं रही अटक गई है और यू नो लाइक आगे नहीं बढ़ रही है होगी अपने टाइम से होगी और जितनी आपके लिए अभी करंट सिचुएशन में जो चीज़ अच्छी है वही होगी ठीक है ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगा तो डोंट वरी ठीक है नीडल एंड थ्रेड आया सिंसेयर विश विल बी ग्रांटेड थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको अभी इस टाइम पे देखते हैं एस्ट्रल हाउस से हमारे पास क्या है यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट डेज लिए क्या मैसेजेस हैं वर्गो के लिए लव uh, देखिए अपने आप गिरा है ये कार्ड बाहर मैंने नहीं निकाला लव uh, से रिलेटेड मुझे चीजें दिख रही हैं आप होपफुल हैं कि एक पार्टनर आपको मिलेगा अभी तक नहीं मिला है बट आपने गिव अप नहीं करा है टू फेस फ्रेंड से डिस्कशन करना बंद कर दीजिए कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है एक्शन लीजिए ठीक है दिमाग में सोच सोच के ना आप बीमार पड़ जाएंगे एक दिन अच्छी बात नहीं है वो गो तो विश भी पूरी हो रही है आपकी ठीक है तो प्यार से रिलेटेड आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं मुझे नेक्स्ट टेन डेज में प्यार से रिलेटेड जो आ, कुछ चीज़ें होने वाली हैं डेवलपमेंट्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट टेन डेज में देखते हैं चार्म में से हमारे पास क्या है यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए नेक्स्ट टेन डेज के लिए क्या मैसेजेस हैं लेटर के फॉर काइड क्यू के क्यू क्यू के किसी का नाम सिटी कंट्री लोकेशन सर नेम कुछ हो सकता है स्कॉर्पियो साइन uh, हो सकता है किसी का किसी को विंटेज चीज़ें पसंद हो सकती है ओल्ड स्कूल हो सकता है कोई यहाँ पे डॉग पर्सन शायद आप या आपके इंसान डॉग लवर हैं डॉग्स को बचाते हैं एक्टिविस्ट एनिमल रेस्क्यू करते हैं शायद दो डॉग्स हैं हमारे पास तो यहाँ पे ना मुझे से लग रहा है आपके पास भी डॉग है, उनके पास भी डॉग है या फिर आप दोनों डॉग लवर्स हैं ऐसा कुछ दिख रहा है बट uh, मुझे लॉयल्टी बहुत दिख रही है मुझे से लग रहा है ये जो अगर एक कपल कोई बनने वाला है या ऑलरेडी है तो दोनों पार्टी लाइक दोनों लोग इस इस कंपेनियनशिप में इस कपल में बिल्कुल लॉयल होंगे एक दूसरे के लिए किसी को सी फूड पसंद हो सकता है कोई अभी पानी के आसपास कहीं पे कुछ है रहता है ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं नई चीज़ों की शुरुआत होती दिख रही है कोई क्रिश्चियन हो सकता है क्रिश्चियन लोकेलेटी में रहता हो शायद वैसा कुछ हो सकता है बट येस मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से वर्गो गो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरे इमरामा फैमिली का थैंक यू बाय